कल की घटना सारे देश देख रही है। हमारी तरफ से मांग था, आपने कभी ये सुना कि देश की प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस मुद्दे पर कुछ कहे कल से? ये क्या उचित नहीं है? 2001 साल जब इस घटना घटी थी, इस तरीके की हमला हुई थी, याद दिला दे, हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन पे उनसे खैरियत पूछी। हमारी वो परंपरा अभी खत्म हो गई। रोजाना देश की बात होते हैं, देश की सुरक्षा, देश की ताकत, हमें मिसाइल दिखाना जाते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितना खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा, ये क्या चिंता के विषय नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री जी नया सदन बनाते हुए, सिंगल लाते हुए कितने बड़ी बड़ी बात कही थी। अरे कम से कम ये तो कहे कि हमारा सदन में ये जो हमला हुई, मैं निंदा करता हूँ, कहीं अगर सुरक्षा की चूक हो तो मैं इसको निगरानी करते हुए, सारे निरीक्षण करते हुए मैं इसे सुधार लेंगे। ये कहने में क्या आसमान टूट पड़ती है? आप देशवासियों को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है, और क्या मोदी की गारंटी के बदले मोदी मतलब मुश्किल हो गया। जल्दबाजी में सारे पुराने भवन को छोड़ के नया भवन, नया संसद भवन, कितने सारे ख्वाब दिए, पूछो क्या हालात हुई यार, कोई भी कूद जा सकते। अब ये ब्यौरा देते हैं राजनाथ सिंह जी, पिछले जमाने में हुई थी, तो नया जमाने में क्या हुआ? आप कहते कि नया इंडिया, और जब आपकी कोई जवाब नहीं आता तो कहते कि पिछले जमाने में। अरे उस जमाने की सिक्योरिटी फिर भी उस जमाने में निहत्ते लोगों ने ये पार्लियामेंट को बचाया था, ये ऑगस्ट हाउस को बचाई थी, और कल उनकी 22 साल मतलब हमले की वर्षी हम लोग यहाँ पालन किए हैं, उस पार्पण भी किए हैं। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को कल ही इस तरह की घटना घटने की बात क्या एक बयान देना की उचित नहीं है? आज कहते हैं स्पीकर साहब सारे जिम्मेवारी दिया, सब जानते हैं दिल्ली में इंटेलिजेंस का स्पीकर के पास है या सरकार के पास, खुफिया तंत्र किसके पास है, होम मिनिस्टर के पास, सब जानते हैं। तो कम से कम तो ये भाई तो बनते थे कि भाई होम मिनिस्टर आए एक बात कहें, प्रधानमंत्री आए अपने खेत जताएं, क्योंकि अंदर सारे एमपीज ने और सारे स्टाफ निहत्ते स्टाफों ने कल सदन को बचाया। पिछले बार भी निहत्ते लोगों ने हमारे पुराना सदन बचाई थी, इस बार भी हमारे एमपीज और निहत्ते स्टाफ इनसाइड चेंबर आउटसाइड चेंबर सारे लोग इकट्ठा होकर ये सदन, तो कम से कम उनको भी तो सराहना करने के लिए पीएम साहब को एक बार आना चाहिए था या गृह मंत्री के बार आना चाहिए था। बताइए आप लोग क्या गलत बोल रहे हैं आप? हमारी की अपेक्षा नहीं होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए? आप जब ये सदन में घुसे थे माथा टूटकर घुसे थे, प्रणाम करते हुए मंत्री मंदिर मानते हुए घुसे थे, याद है आपका? लेकिन आज वो मंत्री मंदिर में हमला हो गई, लेकिन आपको कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, लगता कि कुछ हुआ ही नहीं देश में। इतना ज्ञान देते हैं दिन रात सुरक्षा के मुद्दे पे, और जब हमारी देश की सबसे बड़े पंचायत हमले की शिकार हो गए, अरे भगवान की आशीर्वाद, खुदा की दुआ कि उन लोग को हाथ में कोई खतरनाक हथियार नहीं तो कल सदन के अंदर कितने एमपी को मौत होती, कितने स्टाफों को मौत होती, ये किसी को नहीं पता।